गाइस कैसे हो आप सब और आप देख रहे हो टेक अल्फर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि काइन मास्टर एक बहुत अच्छा ऐप है, जैसे आप सबको ही पता है पहले से, लेकिन और मैं जो अपनी वीडियो की जो एडिटिंग करता हूँ मैं काइन मास्टर में नहीं करता, लेकिन कलर ग्रेडिंग के लिए ऐप बिल्कुल भी अच्छा नहीं, क्योंकि कलर ग्रेडिंग में इसमें नहीं करता, क्योंकि इसमें खाली एक सैचुरेशन का बटन, एक सैचुरेशन होता है एडजस्टमेंट में जब आप जाते हो उसकी, और एक होता है मेरे ख्याल से कंट्रास्ट का, और एक होता है हाईलाइट्स का। तीन बटन से जो इनफ नहीं होते, तीनों बटन को अगर आप करते हो आपकी वीडियो क्वालिटी बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, जैसे किसी को भी देखने में मज़ा नहीं आता। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसा ऐप, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक ऐप, और उसमें प्रीसेट्स भी मिल जाते हैं आपको लाइटरूम के, और वो एक बहुत ही एक अच्छा ऐप है कलर ग्रेडिंग के लिए, आपकी वीडियो के लिए, वो भी एक एंड्रॉइड वर्जन है। जैसे अगर आप एडोबी प्रीमियर डाउनलोड करते हैं जैसे अपने पीसी वगैरह में, तो सिंपली आप वहाँ से कलर ग्रेडिंग भी कर सकते हो, ए टू जेड जितनी भी वीडियो एडिटिंग का आप वहाँ से कर सकते हो। लेकिन जैसे अगर आपके पास एप ही है तो आप फाइनल कट प्रो में भी सारी चीज़ें कर सकते हो। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं एंड्रॉइड की, क्योंकि एंड्रॉइड ज़्यादातर लोगों के पास ना एप ही होता है ना किसी के पास एक अच्छा हैवी पीसी होता है कि एडोब प्रीमियर को चला सके, और क्योंकि उसके लिए आपको डाउनलोड भी करना पड़ता है, उसको पे भी करना पड़ता है। तो सिंपली आज मैं आपको बताने वाला एक फ्री ऐप, वो भी बिल्कुल एक बेहतरीन ऐप है, क्योंकि उसमें कलर ग्रेडिंग एक बहुत अच्छी हो जाती है। सबसे पहले मैं अपनी वीडियो में कलर ग्रेडिंग करता हूँ, उसके बाद में काइन मास्टर से एडिटिंग करता हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे कलर ग्रेडिंग की जाती है अपनी वीडियो में, वो भी फुल प्रोफेशनल तरीके से। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो यार अभी डायरेक्टली हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल के मेन स्क्रीन पर, और सबसे पहले आपने सिंपली प्ले स्टोर पर क्लिक कर लेना और प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। उसके बाद सिंपली आपने यहाँ पर सर्च बार में जाना है, और यहाँ पर सिंपली आपने लिखना है कोलोरो। देखिए जैसे आप कोलोरो लिखेंगे तो सबके आपके सामने सबसे ऊपर ये जो प्रीसेट फॉर लाइटरूम कोलोरो, इस वाले ऐप को आपने इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास पहले से इंस्टॉल है तो इसलिए मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा, लेकिन आपने इंस्टॉल कर लेना है, आपके मोबाइल में सिंपली आ जाएगा। उसके बाद सिंपली मैं इस वाले ऐप को ओपन कर लेता हूँ। जैसे आप इस वाले ऐप को ओपन करेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो होगा, और यहाँ पर आप देखिए बहुत सारे प्रीसेट्स आ जाते हैं, लेकिन एक पेड ऐप है इसलिए आपको पे करना पड़ता है पहले, उसके बाद आपको प्रीसेट्स फ्री में मिलते हैं। लेकिन मैंने इसको पेड ऐप नहीं डाउनलोड किया, आप प्रो वर्जन ले सकते हो, लाइफ टाइम के लिए आपको ये $12 में सिर्फ मिल जाते हैं। उसके बाद अगर आपने कोई जैसे वीडियो को एडिट करना है वो फ्री में हो जाती है, तो सिंपली आपने प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, और सिंपली आपने देखें जो भी वीडियो सिलेक्ट करनी है आपने वो वाली वीडियो सिलेक्ट कर लेनी है। मैंने जैसे एक ये वाली वीडियो सिलेक्ट कर ली, अपनी वीडियो मैंने सिलेक्ट कर ली है, तो जहाँ पर भी जैसे आपको लाइटनिंग सही करनी हो वहाँ पर आपने वीडियो को पॉज कर लेना। जैसे मैंने यहाँ पर वीडियो को पॉज कर लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिल्टर्स भी आपको देता है कि आप अपनी मर्जी से जैसे कोई भी फिल्टर लगा सकते हो, लेकिन फिल्टर में नहीं लगाने क्योंकि बिल्कुल भी सूट नहीं करते। उसके बाद अपने लाइटनिंग में जाने और उसकी जैसे ब्राइटनेस वगैरह को जिस टाइप का आपने करना है, लेकिन मैं आपको देखें पूरे प्रॉपर तरीके से करके दिखा रहा हूँ। सबसे ऊपर है ब्राइटनेस, फिर एक्सपोजर है, फिर हाईलाइट्स हैं, फिर शेडोज वगैरह सब कुछ, जितने भी जैसे लाइटरूम में फंक्शन होते हैं पिक्चर के लिए, पिक्चर की कलर ग्रेडिंग के लिए, उतने सारे इसमें फंक्शन है वीडियो के लिए। यहाँ पर देखिए टेम्परेचर वगैरह, टिंट वगैरह सब कुछ आपका इस तरह से बिल्कुल जैसा ही कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डन कर लेते हैं। उसके बाद वाइट बैलेंस में जाके आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद मैं थोड़ा शार्पन भी कर लेता हूँ, थोड़ा ब्लर इफेक्ट भी डाल देता हूँ। तो यार जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी दिखाया कि कितना जो है फर्क था जैसे विदाउट जो है कलर ग्रेडिंग वाली और कलर ग्रेडिंग के साथ, बहुत ज़्यादा फर्क होता है। जैसे जब आप अपनी वीडियो को कलर ग्रेड करते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि आप जब तक क्वालिटी पर अपने जैसे बहुत अच्छी नहीं करते तब तक आपकी वीडियोज़ को लोग नहीं देखते, क्योंकि ठीक है अगर आप जितनी अच्छी थंबनेल बनाएंगे लोग अट्रैक्ट होंगे और आपकी थंबनेल की तरफ, और आपके थंबनेल पे क्लिक करेंगे और इंशाल्लाह आपकी वीडियो को भी पूरा देखेंगे। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि क्वालिटी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी लगे उसमें आपको। और देखिए कर्व का भी ऑप्शन मिल जाता है, ब्लू का, ग्रीन का, और जो है रेड का भी आपको इसमें मिल जाता है देखिए, और RGB का भी मिल जाता है। RGB जो है वो वाइट वाली है, वाइट वाली से सबसे अच्छा जो है आपका कर्व होता है। देखिए बस मैं थोड़ा सा यहाँ से ऐसे कर लेता हूँ। देखिए मैं आपको अभी बिफोर आफ्टर दिखा देता हूँ, पहले कुछ वीडियो इस टाइप की थी और अब वीडियो कुछ इस टाइप की बन चुकी है। और जैसे अगर आपको इसको जैसे सेव करना है तो आप सिंपली सेव भी कर सकते हो। यहाँ पर जैसे एडिट पाथ, देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आता है एडिट पाथ का, आप वहाँ पर जाके सिंपली उस पर क्लिक करके सेव पाथ पर भी क्लिक कर सकते हो, तो उस सेव रेसिपी पर क्लिक कर सकते हो, तो आपकी जो है मतलब वो सेव हो जाएगा। जब आप अगली बार एडिट करने जाओगे तो आपके सामने शो हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप बॉर्डर वगैरह भी इसके बना सकते हो, इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत एक अच्छा ऐप है। और जैसे आप जिसमें कलर ग्रेडिंग बहुत अच्छी कर सकते हो, जैसे ल्यूमिनस वगैरह, शार्पनिंग वगैरह, या जैसे इसकी सेचुरेशन वगैरह, वो सब कुछ आप सेट कर सकते हो कलर में। लेकिन मैंने इसको सब कुछ ए टू जेड आपको इसमें नहीं बताया, क्योंकि मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती और बोरिंग हो जाती और आपको भी देखने में मज़ा नहीं आता। मैं इंशाल्लाह जल्दी इसका फुल ट्यूटोरियल भी लाऊंगा, और जब आपकी वीडियो फुल एडिट हो जाए आपने सिंपली यहाँ पर डन पर क्लिक कर देना, और 720p और 1080p दोनों का आपको ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली आप जैसे एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में सिंपली एक्सपोर्ट होने लग जाएगी। फिर मैं होप करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक मस्त कर देना, शेयर भी कर देना दोस्तों के साथ, और जो कमेंट में आप अपनी सजेशन दे सकते हो कि मैं किस टाइप की वीडियोस और लाऊं। सर अगर मुझे आपको मेरी वीडियो क्वालिटी या ऑडियो क्वालिटी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो फिर आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता दिया, क्योंकि मैंने रिंग लाइट भी कुछ दिनों पहले परचेज की थी जैसे आपको बताया था। इंशाल्लाह मैं इसकी भी अनबॉक्सिंग वीडियो जल्दी लाऊंगा, क्योंकि मैं अनबॉक्सिंग वीडियो और लाइटरूम ट्यूटोरियल, पिक्सार ट्यूटोरियल जैसे वीडियो एडिटिंग वगैरह के ट्यूटोरियल्स लाता रहता हूँ। तो जरूर लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो मस्ट है।
इसलिए कि अगर कोई भी आपको क्वेश्चन हो मेरे कंटेंट पर तो सिंपली आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं उसका एज अर्ली एज पॉसिबल रिप्लाई दूंगा। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेना, भाई को दुआओं में याद रखना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।